महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 20,228 केस, 779 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, मुंबई में कोरोना के अब तक 12,864 केस, पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं कोरोना के 722 मरीज। मुंबई में कोरोना से अब तक जा चुकी है 489 लोगों की जान, पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 27 लोगों की हुई मौत। धारावी में बढ़ता जा रहा है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, अब तक 833 लोग कोरोना बीमारी की चपेट में आए। मुंबई में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से गई जान। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज बढ़े, अब तक कुल 59,662 केस। कोरोना से भारत में अब तक 1,981 लोगों ने गवाई जान, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा रिकवरी रेट से मिल रहे अच्छे संकेत। गुजरात में कोरोना के मरीज 7,797 पहुंचे, 24 घंटे में 23 नई मौतें, अब तक 472 लोगों की गई जान। दिल्ली पुलिस के कोरोना से जान गंवाने वाले कांस्टेबल अमित राणा की पत्नी और 3 साल का बेटा भी पॉजिटिव, दोनों अस्पताल में भर्ती कराए गए। दिल्ली में कोरोना के मरीज 6,300 के पार, अब तक 68 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 6,535 केस, अब तक 44 की मौत। राजस्थान में कोरोना के मरीज 3,500 के पार, अब तक 100 से ज्यादा ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 3,300 के पार, 200 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के मामले 3,200 के पार, अब तक 66 लोगों की मौत। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोरोना पर करेंगे चर्चा, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य समेत वरिष्ठ अधिकारी। नीति आयोग के सदस्य, गृह सचिव, सचिव सूचना प्रसारण, आपदा प्रबंधन सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। मोदी सरकार अगले सप्ताह वित्तीय राहत पैकेज का कर सकती है ऐलान, सूत्रों से मिली खबर। वंदे भारत मिशन का चौथा दिन, एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन से मुंबई पहुंचे 329 भारतीय। वतन पहुंचने पर फूट फूट कर रो पड़ी एक लड़की, लॉकडाउन की वजह से लंदन में फंस गई थी। कुवैत में 177 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, कोची एयरपोर्ट पर उतरा विमान। शारजा से 182 यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंचे एयर इंडिया की फ्लाइट, सभी लखनऊ में 14 दिन रहेंगे क्वारंटीन। मलेशिया के कुआलालंपुर से 177 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, त्रिची पहुंचा विशेष विमान। कुवैत से 163 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया विमान। सिंगापुर से भी मुंबई पहुंचेंगे आज 243 भारतीय, लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए। मनीला में फंसे 24 भारतीय भी आज लाए जाएंगे वतन, मुंबई लैंड करेगी फ्लाइट। आईएनएस जलाश से भी विदेश में फंसे 698 भारतीयों की कराई जा रही है वतन वापसी, मालदीव से हुई रवानगी, आज सुबह 10 बजे तक कोच्ची बंदरगाह पहुंचेगा आईएनएस जलाश। पटना में 47 दिन बाद दुल्हन के घर से विदा हुई बारात, निकाह के बाद अचानक लॉकडाउन के ऐलान से दुल्हन के घर ही फंस गए थे दूल्हा समेत सभी बाराती, अब प्रशासन ने की मदद। बिहार के खगड़िया में डीएम ने कराई रैंडम सैंपलिंग, 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से उड़े होश, कोरोना पीड़ितों में 3 दिल्ली, 1 अरवल और 1 गुजरात का रहने वाला। हिमाचल के सोलन में बिना मास्क के घूमने निकले कुछ लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, पुशअप लगाने की दी सजा, पुलिसकर्मी ने खुद दी पुशअप की सजा। बिना मास्क निकले युवकों को पुलिस ने तरह तरह की सजा दी, बाद में सख्त हिदायत देकर छोड़ा। लुधियाना में 1,188 लोगों को लेकर सीतामढ़ी पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस, सभी को 21 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। लुधियाना से बिहार पहुंची महिला ने सुनाया दुखड़ा, कहा अपने अपने राज्य में मिले काम तो कभी नहीं जाऊंगी बाहर, डीएम ने श्रमिकों को जिले में रोजगार देने का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र से ऑटो से निकलकर उत्तराखंड पहुंचे 2 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन के उड़े दोष। महाराष्ट्र से आए दोनों कोरोना पीड़ितों को उधम सिंह नगर में रोक कर किया गया था क्वारंटीन, लॉकडाउन में अपनी ऑटो यात्रा के दौरान दोनों ने पार की 7 राज्यों की सीमा, उठे सवाल। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले में रह रहे जम्मू कश्मीर के 458 छात्रों को जम्मू कश्मीर रवाना किया गया, बसों से भेजे गए सभी छात्र। भोपाल से जम्मू कश्मीर के 324 छात्र, इंदौर से 69, जबलपुर से 25, उज्जैन से 18, सागर से 11 और ग्वालियर से 11 छात्रों को किया गया रवाना। लॉकडाउन 3 के बीच आगर मालवा में गेहूं बेचने के लिए वाहनों की लगी 3 किलोमीटर लंबी कतार, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद रही है शिवराज सरकार।
अगरतला में फिर 17 बीएसएफ जवान कोरोना पीड़ित हुए। त्रिपुरा में कोरोना के अब तक 136 केस। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा देश के एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं, फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। आज तक के ई एजेंडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कारखाना मालिकों को मजदूरों के बारे में सोचना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 17 मई के बाद ज्यादातर कामकाज शुरू हो जाएगा, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा देश में अनाज की कमी नहीं, 1.5 साल तक 81 करोड़ लोगों को खिला सकते हैं। नोएडा में कोरोना से दूसरी मौत, ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान अस्पताल में कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। बुंदेलखंड के कोरोना संक्रमित डॉक्टर की केजीएमयू में मौत, प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद भी नहीं बचाई सकी जान। चित्रकूट में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनमें से 2 सगे भाई शामिल। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 16 नए मरीज मिलने से बीमारों की संख्या पहुंची 141। मध्य प्रदेश के श्योपुर को ऑरेंज जोन से हटाकर ग्रीन जोन बनाने के केंद्र को भेजी गई सिफारिश, एकमात्र कंटेनमेंट जोन भी किया गया खत्म। सागर में हाईवे पर पैदल सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों की हुई मौत, मध्य प्रदेश से पैदल यूपी जा रहा था। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रवासी मजदूर, घर वापसी के लिए ट्रेन का इंतजार। सहारनपुर से राहत भरी खबर, 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, इसमें तबलीगी जमात से जुड़े मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान की रिपोर्ट भी शामिल। कोरोना संकट के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिया शादी की 75वीं सालगिरह का तोहफा, 94 साल के तीर्थ सिंह और 90 साल के शांति देवी के लिए केक लेकर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप, 2 ग्राम पंचायतों में किसी को भी नहीं दिया गया राहत का राशन। चंद्रपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आधुनिक रोबोटिक ट्रॉली बनाई गई है डॉक्टर्स को सुविधा देने के मकसद से। अकोला में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी ने पत्नी के साथ मिलकर पीटा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दोनों के बीच हुई थी तकरार। झांसी की पहली कोरोना पीड़ित महिला हुई स्वास्थ्य, डीएम और मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर अस्पताल से घर रवाना किया। झालावाड़ में टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों ने किया हंगामा, वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप। लुधियाना में पुलिसकर्मियों ने एसीपी अनिल कोहली की याद में निकाला कैंडल मार्च, कोरोना संक्रमण से हुई थी मौत। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार किया, विधायक पर एक डॉक्टर से उगाही और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। विधायक प्रकाश जरवाल ने गिरफ्तारी को बताया संवैधानिक, खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। अपनी सेहत से जुड़ी अफवाह पर गृह मंत्री अमित शाह की सफाई, मैं पूरी तरह से स्वस्थ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अमित शाह की सेहत के बारे में अफवाह फैलाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, 2 आरोपी भावनगर, 2 अहमदाबाद से गिरफ्तार। कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन की तैयारी में आईसीएमआर भारत बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा कोशिश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कोरोना के खिलाफ विषम से विषम परिस्थितियों के लिए सरकार की पूरी तैयारी, वैक्सीन बनाने पर भी काम जोरों पर। हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीएसआईआर, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। आज तक के कार्यक्रम में ये एजेंडा में रिटायर्ड जनरल बीके सिंह बोले बीओके भारत के पास आएगा, घाटी में बचे आतंकियों का भी सफाया होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने इशारों में तबलीगी जमात पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों के चलते देश में कोरोना बढ़ा। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले 42 लाख टीचर के को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हावड़ा में तृणमूल पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आसनसोल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद हादसे में 16 मजदूरों की मौत का मुद्दा उठाया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में भी सोलन के 8,500 किसानों को मिला ई मंडी का सीधा लाभ, ई नाम व्यवस्था से फसल का करीब 8 करोड़ का हुआ कारोबार। छिंदवाड़ा में एक मरीज ने नर्स की मारपीट, विरोध में मेडिकल स्टाफ ने रोका चिकित्सा कार्य। नर्सिंग स्टाफ के शिकायत पर छिंदवाड़ा पुलिस ने दर्ज किया केस, इसके बाद काम पर लौटा मेडिकल स्टाफ। सोनीपत के खानपुर पीजीआई अस्पताल में कोरोना मरीजों का डांस करता वीडियो वायरल, बेहतर सुविधाएं मिलने से खुश है मरीज। दिल्ली के कल्याणपुरी में शराब खरीदने आए भीड़ पर फूलों की बारिश, 2700 शराब खरीदारों को मिनरल वाटर की बोतल दी गई।
कानपुर के हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस का मार्च, लॉकडाउन तोड़ने वालों को कड़ी हिदायत। नेपाल में फंसे 250 भारतीय मजदूरों ने वीडियो संदेश भेजकर पीएम मोदी से भारत लाने की गुहार की। ईंट भट्टा बंद होने से मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत। अमृतसर में बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। लस्सी और दूध का लंगर लगाकर शराब की होम डिलीवरी के फैसले का विरोध। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बैनर्जी को लिखी चिट्ठी, प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में राज्य सरकार पर सहयोग न करने का आरोप। मुंबई में हटाया गया बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी, इकबाल सिंह चहल नए आयुक्त, बीजेपी बोली बलि का बकरा बनाया गया। मुंबई में जेजे पुलिस स्टेशन पर के 6 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जेजे पुलिस स्टेशन के अब तक 34 पुलिसकर्मी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में एक एनजीओ ने सीएम उद्धव को लिखा खत, एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन से जुड़े एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही। उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन और माता मंगला का लॉकडाउन में फंसे लोगों की राहत के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान। हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहत कोष को 1,51,00,000 का दिया दान। गुड़गांव से यूपी के झांसी और बांदा निकले 11 लोग, सिर पर गठरी और बच्चों के साथ तय कर रहे पैदल सफर। मुंबई से दिहाड़ी मजदूरों का पलायन जारी, ट्रकों में भरकर चोरी छिपे निकलने की कोशिश। सूरत से मजदूरों को लेकर चली ट्रेन बिहार के गया पहुंची, सभी को प्रशासन ने किया क्वारंटीन। बांका में पुलिस पर गंभीर आरोप, क्वारंटीन किए गए मजदूरों के खाना मांगने पर पिटाई का आरोप। समस्तीपुर पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, डीजीपी बिहार और डीएम समस्तीपुर का बनाया था फर्जी ट्विटर अकाउंट। सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने दो युवकों को मारी गोली, एक शख्स की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के नागदा में 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, 5 पिस्टल और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के पटना में नशे में धोते एक दबंग ने तमंचा लहराते हुए किया हंगामा, गाली गलौज का वीडियो वायरल। कोल्हापुर में कुएं के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से दबे 6 मजदूर, 2 लोगों को निकाला गया, 4 को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी की ली जा रही मदद। बाड़मेर शहर पर टिड्डी दल का अटैक, लोगों ने टिड्डियों को भगाने के लिए थाली पीटी, पटाखे फोड़े और जलाए आग। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 13,46,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिल दहला देने वाला, 80,000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना से गई जान। इंग्लैंड में 2,15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 31,500 से ज्यादा लोगों ने गवाई जान। स्पेन में भी कोरोना का कहर, कुल 2,62,783 लोग कोरोना पीड़ित, 26,478 पीड़ितों की अब तक गई जान। इटली में 2,18,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 30,000 से ज्यादा लोगों की गई जान।